हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट पहले दिन से बड़ा क्लियर है और वो ये कि हम आपको अपनी तरफ से कोई भी टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स, कॉल पुट पे रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग पर, इन्वेस्टिंग पर रिकमेंडेशन ना देना चाहते हैं और ना कभी देने का विचार कर रहे हैं। हमने अपना चैनल सिर्फ एक ही इंटेंशन के साथ बनाया है, वो ये कि जो हमारे पास छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट रीडिंग का, जो भी ढेले भर का ज्ञान है, वो हम अपने फ्रेशर, रिटेलर, बिगनर भाइयों को देना चाहते हैं, और स्पेशली उनको जो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ कोर्सेज करने के चक्कर में ट्रैप होने जा रहे हैं और वो किसी तरीके से वहां पर अपना पैसा बचाएं, कोर्सेज में अननेसेसरी अपना पैसा बर्बाद ना करें और जो चीज़ें फ्री में हैं उनको सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ बिना किसी देरी में। आपने देख लिया टाइटल, देख लिया थंबनेल, आपने देख लिया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सिंथेटिक फ्यूचर्स के बारे में, कि ये सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते हैं, क्या बला है, ये हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं ट्रेडर को, और मोटा मोटा ये क्या पर्पस सर्व करते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ अपनी तरफ से थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे करके इन्फॉर्मेशन को अपनी कंप्लीट करना चाहता हूँ। आज के वीडियो का मोटा मोटा यही एजेंडा है। एज मैंने कहा, बिना किसी देरी के, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए लाइफ से ही बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बात क्या है, कैसे काम करती है और हमको कहाँ कहाँ पर कैसे हेल्प कर सकती है। चलिए सबसे पहले चलिए हम चार्ट रीडिंग से ही शुरुआत करते हैं। एक बार देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है आज, तो उससे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर आप देख रहे हैं 20,300। आज बाजार में ठीक ठाक सी तेजी रही। चारों बड़े इंडेक्स आप देख रहे हैं, निफ्टी 226, बैंक 581, अच्छी अच्छी ठीक ठाक सी बढ़त के साथ सारे के सारे जो बाजार हैं वो आज बंद हुए। चलिए यहाँ पर हम अपनी कुछ इंफॉर्मेशन बनानी शुरू करते हैं। पहले मैं ये एक बार को जरा सा चार्ट हटा, इंडिकेटर हटा देता हूँ। आज के दिन में किसी भी कारण से आपको, फर्ज फर्ज कर लेते हैं, किसी कारण से आपको लगा कि मार्केट में आज के दिन में तेजी है, और जो मार्केट में आज के दिन में तेजी थी, चलिए बात को हम कुछ ऐसे शुरू करते हैं कि हम पिछले दिन के हाई लोअर, वो आपको बैंक निफ्टी में तो पिछले दिन के हाई लोअर वो बोला, यहाँ पर आज तुक्का शायद नहीं लगाए, पर चलिए हम एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिन में कहीं पर भी लगा, हालांकि हुआ सारे दिन में ये कि पहली कैंडल ने सारी की सारी बढ़त को बराबर कर दिया, कहीं पर काम करने का मौका नहीं मिला, पर अपने को सिंथेटिक फ्यूचर्स पर चीज समझ नहीं है तो हम किसी भी तरीके से समझ लेते हैं। आइए और बात को कंप्लीट करने के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये देखिए 1 मिनट के लिए, आपको किसी भी कारण से दिन भर में कभी लगा कि निफ्टी में तेजी है और आपको निफ्टी में तेजी जो है वो फ्यूचर से प्ले आउट करनी है, मतलब आपको फ्यूचर को लॉन्ग करके चलना है, तो आपके पास मार्केट में काम करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये बात मैं आपको लाइव चार्ट्स के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस पे ऑफ डायग्राम्स के साथ बताना चाहता हूँ ताकि आपको बात समझने में बहुत ज्यादा मजा आए। चलिए देखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निफ्टी फ्यूचर दिसंबर को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर लिया। आपको दिन में कभी भी लगा कि निफ्टी के अंदर में आज दिन में तेजी है और आपको फ्यूचर में ट्रेड करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करना है, क्या करेंगे आप? पहली ऑप्शन, आप निफ्टी के फ्यूचर को बाय करेंगे, फेयर है, आ गया आप सामने। अब आप देखते जाइए कि निफ्टी के फ्यूचर को अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं, इसको इंट्राडे कर देता हूँ, तो आपकी जेब से आपको मार्जिन लगता है 1,15,409.50 रुपये। हम इसको मोटा मोटा 1,15,000 रुपये पकड़ लेते हैं कि निफ्टी फ्यूचर में अगर आपने ट्रेड करना है तो आपको जो मार्जिन लगेगा वो 1,15,000 रुपये लगेगा। ये बात यहाँ पर क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम एक पे ऑफ डायग्राम देखें कि डायग्राम हमको, अगर हम निफ्टी फ्यूचर को बाय करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का डायग्राम कैसा बनेगा। आइए देखते हैं क्या है। एक हम यहाँ पर एक बास्केट ऑर्डर लगा करके डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, निफ्टी के फ्यूचर दिसंबर फ्यूचर को हम इंट्राडे के अंदर में एक बाय पोजीशन बनाएंगे। मार्जिन वही, आप 1,15,000 रुपये की रकम को साथ में रख लीजिए, ये आपको 1,15,000 रुपये मांगेगा और आपको निफ्टी में एक, आपको इंट्राडे में फ्यूचर में एक लॉन्ग पोजीशन, बाय पोजीशन बनाने देगा। आइए इसको एनालाइज करते हैं। जब आप इसके एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो चार्ट आएगा वो चार्ट कुछ इस तरह का आएगा, मतलब निफ्टी जितना ऊपर जाएगा आपको उतना प्रॉफिट आएगा और जितना यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट भी अनलिमिटेड, लॉस लॉस अनलिमिटेड हो नहीं सकता क्योंकि निफ्टी किसी भी कंडीशन में जीरो से नीचे तो गिर नहीं सकता,
20,360 के आसपास है, तो वो 20,360 पॉइंट ही को गिर सकता है ना, नीचे जमीन के नीचे कहाँ चला जाएगा, और ऊपर की गोली मिट्टी है, कितना भी जा सकता है। बहरहाल डायग्राम समझने के लिए ये कि ये डायग्राम इस तरह का कुछ बनेगा कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर को बाय करके चलते हैं तो मार्जिन लगता है 1,15,000 रुपए, और आपका पे ऑफ का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है कि बाजार ऊपर चलेगा तो हर एक पॉइंट के पीछे आपको 50 रुपए बनेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 का लॉट है, और बाजार जितना नीचे गिरेगा आपको एक पॉइंट के पीछे 50 रुपए आपके टूटेंगे, बात हुई 50 का लॉट है। यहां तक मैंने अभी तक आपके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई नई बात फ्यूचर ट्रेडर के लिए नहीं करी, सीधी सीधी बात करी कि निफ्टी के फ्यूचर को अगर लॉन्ग करना है तो आपके पास तरीका सीधा सीधा, उसमें कुछ नहीं है। आप अपनी स्क्रिप्ट पर इसको ऐड करेंगे, ये आपकी स्क्रिप्ट पर है, आप यहाँ पर बाय करेंगे, ये पैनल खुलेगा, आपने ओवरनाइट लेना है ओवरनाइट सिलेक्ट कर दीजिए, मार्जिन सेम रहेगा 1,15,409 रुपए। इंट्राडे करना है तो इंट्राडे कर दीजिए, मोटा मोटा आपके पास 1,15,000 रुपये होने चाहिए भैया, तो आप निफ्टी में एक पोजीशन बना सकते हो। ये बात यहाँ पर खत्म होती है। अब डिस्कशन शुरू होता है कि ये सिंथेटिक फ्यूचर क्या चीज है, मार्केट में क्या कुछ ऐसा है कि आप अपनी निफ्टी में एक पोजीशन तो बनाओ जो निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन को रेप्लीकेट कर जाए। रेप्लीकेट से मतलब है कि बिल्कुल उसको कॉपी कर जाए, पर आपका मार्जिन सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाए और आपके टैक्सेस सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाए। सवाल ये है, इसी को कहा जाता है सिंथेटिक फ्यूचर, इसी को आप बहुत देसी सरल लेमैन लैंग्वेज में फर्जी फ्यूचर कह सकते हैं, कि डुप्लीकेट फ्यूचर के काम तो फ्यूचर का करेगा, प्रॉफिट और लॉस फ्यूचर का जनरेट करके देगा, पर मार्जिन और टैक्सेस, जिन लोगों को मार्जिन की गेम खेलनी है, जिन लोगों के पास पैसा कम है, जिन लोगों को कम पैसे में सेम रिस्क रिवॉर्ड की गेम खेलनी है, उस गेम को खेलने का नाम है सिंथेटिक फ्यूचर। पता होना चाहिए, बहुत काम की चीज है, बहुत हेल्प करेगी, आज आप उसकी बुनियादी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स हैं कि हम फ्यूचर की पोजीशन बना सकते हैं, जिसको हम डुप्लीकेट फ्यूचर कहेंगे, जिसको हम सिंथेटिक फ्यूचर कहेंगे, वो काम करेगी एब्सोल्यूट फ्यूचर का, प्रॉफिट और लॉस का जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा आपने अभी देखा। दोबारा देख लीजिए, इसको कैंसिल करते हैं, मैंने बना रखी है एक लिस्ट, ये कि प्रॉफिट एंड लॉस का डायग्राम तो बिल्कुल ऐसा बनेगा कि बाजार ऊपर भागेगा तो प्रॉफिट आएगा, और नीचे भागेगा तो आपको हर पॉइंट के साथ 50 का लॉस आएगा, पर आपका मार्जिन सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाए। क्या ऐसी कोई गेम है, तो वो हम गेम देखने की 1 मिनट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है क्या नहीं। मार्जिन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और साथ साथ हमारे सब्सटेंशियली दुनिया जहान के जो सरकारी टैक्सेस होते हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस होंगे, और ये आप इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आइए अब देखते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बनेगा, आइए वो देखिए। बहुत आसान है सिंथेटिक फ्यूचर बनाना, मेरे को जो दो तरीके पता है सिंथेटिक फ्यूचर बनाने के, मैं आपको दोनों बता दूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल जवाब पूछ करके अपनी नॉलेज को फर्दर एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बाजार चल रहा है 20,360, इसकी नियरेस्ट एटीएम ऑप्शन कौन कौन सी होंगी, बड़ी सरल सी बात है, 20,350 होंगी, 20,350 ही एटीएम होगा, ले लीजिए 360 चल रहा है, 350 आपको लगा कि यार निफ्टी में आपको एक फ्यूचर पोजीशन बनानी है और फ्यूचर पोजीशन आपको इंट्राडे बनानी है, बहुत आसान है, आप एटीएम की कॉल पुट को सिलेक्ट कीजिए, एटीएम मतलब 7 तारीख की एक्सपायरी की, आपने 20,350 की कॉल को भी ऐड कर लिया, 20,350 की पुट को भी ऐड कर लिया, आपने देखा ये आपको इतने की मिल रही है, ये एटीएम ऑप्शन है, ठीक है जी, आपके सामने एटीएम ऑप्शन 20,360 पर बाजार चल रहा है, तो हम उसकी एटीएम ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, पहली एटीएम ऑप्शन हम कॉल की होगी 20,350 की कॉल और 20,350 की पुट। अब हम इसका इन दोनों को मिला करके फ्यूचर कैसे बनाएंगे, ये है असली गेम। डुप्लीकेट फ्यूचर सिंथेटिक फ्यूचर का यही मतलब है कि आप निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी के फ्यूचर को डुप्लीकेट कर देंगे, और वो डुप्लीकेट आप कैसे करेंगे, वो आप ऑप्शंस की हेल्प से डुप्लीकेट फ्यूचर बना देंगे, मतलब आप ऑप्शन का ट्रेड खड़ा करेंगे और वो काम फ्यूचर का कर जाएगा, इसी को सिंथेटिक फ्यूचर कहते हैं, और यही इसकी ब्यूटी है। ऑपरेटर्स, ट्रेडर्स, प्रोज इसको यूज करते हैं, कमाल की चीज है, आई एम होपफुल आपको लाइफ में बहुत काम आएगी, इसीलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी ली और इसको बताना जरूरी मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर हमारी एक पोजीशन बनी है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं अब इसमें हमें क्या करना है। अगर मुझे फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन बनानी है जो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉल को बाय कर दूंगा, इंट्राडे में रखूंगा, मैं 50 की कॉल को बाय करूंगा और 20,350 की मैं पुट को शॉर्ट कर दूंगा। समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कॉल को बाय करूंगा, पुट को शॉर्ट करूंगा, और ये देखिए यहाँ पर ये काम क्या हुआ, देखते जाए यहाँ पर 1 मिनट के लिए, ये मेरी जो पोजीशन बनी वो मेरी पोजीशन बनी 1,12,000 रुपए की। सबसे पहले हम इसका पे ऑफ डायग्राम देखते हैं कि पे ऑफ डायग्राम हमको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आइए देखिए, ये देखिए
रिस्क रिवॉर्ड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, और हमारा पे ऑफ का डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट वही का वही, कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो आपको 1 पॉइंट के पीछे 50 रुपए आएंगे, और बाजार नीचे जाएगा तो आपको 1 पॉइंट के पीछे 50 50 रुपए आपके टूटेंगे। ये चीज हो गई। बाकी आपने देख लिया प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड। लॉस अनलिमिटेड हो नहीं सकता क्योंकि बाजार 20 350 से नीचे गिर नहीं सकता। अपसाइड हो सकता है कि बाजार कहीं पर जहां जाना चाहे वहां पर ऊपर जा सकता है। यहां पर हम एक चीज समझ पाए कि एक चीज ये कि हम ऑप्शन से, सिंथेटिक ऑप्शन की हेल्प से हम एक फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं जो फ्यूचर का काम करती है, मार्जिन रिड्यूस करने में हेल्प करती है, और रिड्यूस होने के साथ साथ हमको दुनिया जान के टैक्सेस में हेल्प करती है। ये हो गया एक तरीका फ्यूचर को, सिंथेटिक फ्यूचर को बनाने का। अब ये तो हुआ लॉन्ग का तरीका। अब चलते हैं, फर्ज कीजिए कि किसी कारण से आपको लगता है कि फ्यूचर शॉर्ट होना चाहिए, फ्यूचर को शॉर्ट करना है आपको। आज तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर को लॉन्ग करना था, तो अगर फ्यूचर को शॉर्ट करना होता तो वो शॉर्ट की पोजीशन हम कैसे बनाते हैं? पहले हम अपनी पुरानी पोजीशन में ही जाएंगे। यहाँ पर जो हमने इसको बाय कर रखा है, हम इसको बाय को हटा करके एक बार को शॉर्ट कर देंगे, तो हम शॉर्ट के साथ उसको रेप्लीकेट करेंगे। मार्जिन वही दिखेगा, मोटा मोटा 1,50,000 रुपये का मार्जिन है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस अनलिमिटेड, बाजार जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट, और जितना ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस, क्योंकि हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई, हमने फ्यूचर को शॉर्ट कराया। शॉर्ट के अंदर में बाजार जितना नीचे जाएगा हर पॉइंट के साथ हम 50 कमाएंगे, और जितना ऊपर जाएगा हम हर पॉइंट के साथ 50 रुपए कमाएंगे। चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमको निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन बनानी हो वाया ऑप्शंस बनानी हो, तो वो ऑप्शंस की पोजीशन हम कैसे बना सकते हैं? बहुत सरल है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। उसको भी देखिए प्लीज, आप इसको हटाइए यहां से। अब आप क्या करेंगे, जब आपको निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 20,350 की पहले आप पुट को बाय कर लेंगे। अब आप पुट को बाय कीजिए और 20,350 की कॉल को शॉर्ट कीजिए। रिवर्स चल रहे हैं, जब लॉन्ग करना होता है तो कॉल बाय होता है और पुट शॉर्ट होता है, और जब शॉर्ट करना होता है तो पुट को लॉन्ग करा जाता है और कॉल को शॉर्ट करा जाता है। मोटा मोटा 1,11,000 रुपये मार्जिन हमको सामने दिखा। अब हम एक बार को इसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके देखते हैं कि ये क्या हुआ। ये देखिए सामने प्रॉफिट लॉस वैसे का वैसे, पे ऑफ डायग्राम एब्सोल्युटली वैसे का वैसे, बाजार जितना नीचे आपको हर पॉइंट के साथ 50 का प्रॉफिट, और जितना ऊपर आपको हर पॉइंट के साथ 50 का लॉस। ये सिंथेटिक फ्यूचर पर हमने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन दोनों तरफ बना करके देख ली इंफॉर्मेशन। यहां पर एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, पर क्या अब एक चीज और आगे चलते हैं, क्या बाजार में ऐसा कुछ है कि हम फ्यूचर का ही डुप्लीकेट कर दें, मतलब फ्यूचर का ही हम सिंथेटिक फ्यूचर बना दें, ऑप्शन से बना दें, और हमारे पास कुछ और एक और कोई एडवांस स्किल हो, या हमारे पास एक स्किल हो, तो मेरी समझ कहती है वो है। वो क्या है, आइए वो भी देखते हैं। वो स्किल कुछ ऐसा है, ये देखिए उसके लिए मुझे निफ्टी की ऑप्शन चेन में 1 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। निफ्टी ऑप्शन चेन, पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर, शायद कुछ लोगों को याद होगा, ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन करा, ये कॉल साइड है, ये पुट है, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, ऊपर लिखा रहेगा कॉल्स पुट्स। ये जिस जगह पर ये इंटरसेक्शन होता है उसको आप एट द मनी कहते हैं, ऊपर नीचे आप कॉल पुट कहते हैं। जो ये शेडेड रीजन की होती है अंदर होती है इन द मनी होती है, वाइट रीजन वाली आउट ऑफ द मनी होती है। ये कॉल इन द मनी है, ये पुट इन द मनी है, ये पुट आउट ऑफ द मनी है, और ये कॉल आउट ऑफ द मनी है। और जो बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है आप उसे एटीएम ऑप्शन कहते हैं। बुनियादी अंडरस्टैंडिंग, बुनियादी डेफिनेशन, नो रॉकेट साइंस, सिंपल मैथमेटिक्स। अब आगे की चीज, बाजार 20,350 पर खड़ा हुआ है, आपको लॉन्ग करना है। लॉन्ग करने के लिए आपके पास पहला रास्ता क्या, पहला रास्ता सीधा सीधा आपके पास ये कि आपने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। दूसरा रास्ता आपने सिंथेटिक फ्यूचर बना दिया, मतलब 20,350 के कॉल को खरीद के 20,350 के पुट को शॉर्ट कर दिया, तो आपका फ्यूचर लॉन्ग हो गया। एक और ट्रिक भी है, इसके बारे में लोग शायद थोड़ा सा कम जानते हैं या ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, वो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। अगर आपने फ्यूचर को लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, अगर आप डीप इन द मनी कॉल को बाय कर लेंगे। तसल्ली से समझिए, 20,350 पर फ्यूचर है, तो अगर आप डीप इन द मनी कॉल को बाय कर लेंगे कैसे, ये देखिए 20,350 की डीप इन द मनी आप 1 मिनट के लिए मान लिए, मानिए ये आपको अच्छे रेट के ऊपर मिल जाएगा 20,000। अगर आप 20,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल को अगर आप बाय करेंगे, तो यहां पर ये देखिए मैं 1 मिनट के इसको यहां पर ऐड करता हूं।
20,000 की मैंने कॉल को यहाँ पर ऐड करना है जी। इसको मैंने ऐड करा, आइए देखिए। अब ये 20,000 की कॉल 300 रुपए की आ रही है। 1 मिनट देखते हैं क्या दिखा रहा है सामने। 15,000 और बाजार चल रहा है। 1 मिनट, 7 दिसंबर, आज हम बैठे हैं 1 दिसंबर। अब देखिए एक चीज, 20,350, हाँ ठीक है जी। आइए, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं इन द मनी गया, इन द मनी मैंने कॉल इन द मनी जाना है तो मैं इस रीजन में जाऊंगा, पुट इन द मनी जाना है तो मैं इस रीजन में जाऊंगा। अगर मुझको निफ्टी को लॉन्ग करना है, ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन से करने की ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप डीप इन द मनी चले जाते हैं, डीप इन द मनी जाने का मतलब है कि वैसा स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, निल हो जाए, और सारा का सारा जो उसके अंदर में प्रीमियम है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाए, या कहें कि वो स्ट्राइक प्राइस जिसमें टाइम वैल्यू निल हो जाती है उसको डीप इन द मनी कहते हैं, या उसको Δ1 कहते हैं। अगर आप ये इंफॉर्मेशन समझते हैं तो भी आप कमेंट्स में लिखिए, नहीं समझते हैं तो भी लिखिए, हम इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए 20,350 के ऊपर फ्यूचर खड़ा हुआ है, तो अगर आप इंट्रा डे में निफ्टी में 300-350 पॉइंट अंदर किसी राउंड फिगर के पास चले जाएंगे ना, देखिए राउंड फिगर में जाना बड़ा जरूरी है, राउंड फिगर में जाएंगे तो आपको वहां पर चांसेस हैं कि बिड और आस्क में डिफरेंस कम दिखाई देगा। 20,350 पर अगर फ्यूचर खड़ा हुआ है तो 350 पॉइंट अगर आप अंदर चले जाएंगे तो 350 पॉइंट अंदर जाकर के आपको जो ऑप्शन मिलेगी, मेरी समझ कहती है वो आपको Δ1 के आसपास की ऑप्शन मिल जाएगी, ऐसा मेरी अंडरस्टैंड। Δ1 का मतलब है कि वो एज गुड एज फ्यूचर को रेप्लीकेट करेगी, फ्यूचर का ही काम करेगी, फ्यूचर ऊपर भागेगा तो आपको 1 पॉइंट के साथ 50 रुपए मिलेंगे, फ्यूचर नीचे भागेगा तो पहले तो आपको 1 पॉइंट के साथ 50 रुपए टूटेंगे, पर थोड़े समय के बाद आपका लॉस कम हो जाएगा। ये बहुत एडवांस हो सकता है मेरे कई भाइयों के लिए, ये बहुत टेक्निकल हो सकता है, पर आप मान लीजिए ये शुरुआत है तो कभी ना कभी तो चीजों को सीखना ही है। अब चलते हैं कमाल की चीज दिखाने का आपको, के तीसरा तरीका। मैंने इसमें क्या किया, मैंने 20,000 की कॉल को पकड़ा 7 तारीख की, और वो मैंने कॉल को बाय कर दिया। ये देखिए बाय करा, मार्जिन आपके सामने आ रहा है 15,877 रुपए। ठीक है भैया, अब देखिए खेल, अब इसको एनालाइज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका पे ऑफ का चार्ट कैसा बन रहा है और ये हमको क्या करके दिखा रहा है। आइए देखिए इसके अंदर चल रहे, ये देखिए इसका देखते हैं चार्ट, ये देखिए इसका चार्ट, ये इसकी ब्यूटी है कि असली खेल आप यहां देखिए। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, बाजार जितना मर्जी ऊपर जाएगा हर पॉइंट के साथ 50 आएंगे, पर जितना मर्जी नीचे जाएगा तो यहां पर हर पॉइंट के साथ आपको 50 नहीं जाएंगे, यहां पर आपके वही जाएंगे जितने रुपए की ऑप्शन आपने बाय कर रखी है। पहला, यहां पर आपका लॉस फिक्स्ड है, मतलब 15,000। बड़ी तसल्ली से समझिए, 1 मिनट के लिए, आप चीज कितने की खरीद रहे हैं, 317 रुपए की, तो आपको 317 रुपए का सिर्फ लॉस आ सकता है। 317 पॉइंट्स का, 317 को 50 से गुने करेंगे तो ये 15,800 फलां रुपए निकल करके आएगा। जहां पर आप निफ्टी के फ्यूचर को लेकर के चल रहे हैं और बाजार ने अगर उलट फेर दिखा दिया तो वहां पर तो आप मान लीजिए कि आपको लॉस लगेगा 20,350 पॉइंट का। समझ रहे हैं बात, कि 20,350 पॉइंट नीचे फ्यूचर गिर सकता है तभी तो जीरो आएगा, पर इसको जीरो तक जाने के लिए सिर्फ 317 पॉइंट गिरना है। ये ब्यूटी आपको सिर्फ ऑप्शंस में मिल सकती है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जहां पर आप निफ्टी की फ्यूचर की पोजीशन 1,15,000 में बना रहे थे, या सिंथेटिक फ्यूचर की पोजीशन 1,14,000 11,000 में बना रहे थे, वहां पर आपकी सेम पोजीशन बन जाती है मात्र 16,000 रुपए में। आप माने या ना माने, 16,000 रुपए में आपने निफ्टी के फ्यूचर को खड़ा करके दिखा दिया और वो आपके सामने लाइव ही आपने देखा। बाजार ऊपर जाएगा अनलिमिटेड, नीचे जाएगा आपके सामने 15,878। तो समझिए कि जहां पर आपके टैक्सेस, सरकारी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी 1,15,000 रुपए पर लगने थे, वहां पर आपके कितने पर लगेंगे, मात्र 15,000 रुपए के ऊपर। क्यों? क्योंकि 317 पॉइंट्स का प्रीमियम है और 50 का लॉट है, तो आपके सामने 15,878 रुपए
रुपए का ही मैक्सिमम लॉस है। ये बात कितनों को समझ आई? नहीं आई? प्लीज आप एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप जरूर चैट्स में, कमेंट्स में, जहां पर ठीक समझे डालें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हम और आगे जिस चीज के ऊपर और अपनी इंफॉर्मेशन को आगे लेकर के जाएंगे, वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे और चलते हैं। ये हमने निफ्टी में देखा कि निफ्टी में अगर मुझे लॉन्ग करना है तो लॉन्ग में 200-300 पॉइंट अगर अंदर चला जाऊं तो मेरे को एक ठीक ठाक सी राउंड फिगर के आसपास में एक मैं निफ्टी में एक अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूं। 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। 10 सेकंड में आप मुझे बताइए कि आप कुछ इस पे पूछना बताना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए प्लीज। ठीक, अभी हमने क्या देखा कि हम 20-350 360 पर हैं। अगर हमने निफ्टी को लॉन्ग करना है तो हम इंदा मनी गए और हमने 20,000 की एक कॉल को लेकर के उसको बाय करा और हमने एक अपना निफ्टी का लॉन्ग बना दिया। फटाफट से एक चीज और देखते हैं कि अगर हमको निफ्टी को शॉर्ट करना होता तो निफ्टी शॉर्ट करना भी हमारे लिए उतना ही सरल होता। हम वहां से उठते, इंदा मनी जाते। अब यहाँ पर पॉइंट हो सकता है हम कितने पॉइंट इतना मनी जाते हैं। देखिए, मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं इन द मनी अगर जाने की कोशिश करूँ तो मैं राउंड फिगर पर ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे 450, 550, 650, ये सब मैं नहीं पकड़ूंगा। मैं कम से कम 300-350 पॉइंट अंदर जाऊंगा। जैसे मैं अगर 350 पर हूं ना, 250 पॉइंट, तो मैं 20-600 पर 1 मिनट के लिए देखूंगा, या मैं 20-700, चलिए 20-600 देखते हैं। कि पहले हम ये देखते हैं कि अगर मुझे निफ्टी को शॉर्ट करना है, जो मैंने यहाँ देखा, मैंने यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट करा हुआ है। फटाफट से एनालाइज करते हैं, ज्यादा समय इस पे व्यर्थ नहीं लगाएंगे। निफ्टी शॉर्ट करता हूँ, मेरा चार्ट ऐसा बनता है, ठीक है जी। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक पोजीशन और बनाता हूँ जिसमें मैं 20-600 की इन द मनी पुट को बाय कर लेता हूँ। इंट्राडे में मेरी रकम लगती है 16,800 रुपये, आप सामने देख रहे हैं। क्यों लगती है जी इतनी? क्योंकि एनालाइज कीजिए और आपके सामने आ रही है बात। ये देखिए, क्या 335 रुपए 90 पैसे की मेरी ये स्ट्राइक प्राइस है। 50 का लॉट है, गुना करेंगे 16,795 रकम आएगी। आपके सामने लॉस रहेगा मात्र उतना जितना प्रीमियम दिया, इसका मतलब सिर्फ 336 पॉइंट्स, और प्रॉफिट रहेगा अनलिमिटेड, मतलब जितना बाजार नीचे, आपको हर पॉइंट के साथ 1 रुपया मिले, एक 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 पॉइंट के साथ 50 रुपये मिलेंगे। और लॉस का जहां तक सवाल है, आपने लॉस को कंट्रोल कर दिया किस तरह से कि आपने ये अपनी पोजीशन फ्यूचर में ना बना करके आपने ऑप्शन से बना दी, और ऑप्शन से भी ये पोजीशन आपने सिंथेटिक बना दी। एडवांस है, कहने का भाव इतना है कि अगर आप इन द मनी जाते हैं, इन द मनी वहां जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाती है, टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है या बड़ी मार्जिनल रह जाती है, वहां पर जहां Δ1 हो जाती है पोजीशन, कॉल की पॉजिटिव्स में चलती है 1 Δ, पुट्स की माइनस में चलती है -1 Δ। जिन लोगों को पता हो वो भी बताइए, जिन लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन के बारे में ना पता हो, चीजों को सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी बताइए। मुझे जो पता होगा फर्दर वीडियोस में, मैं आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अभी मैं इतना कि
अब और एक चीज समझते हैं, ये देखिए यहाँ मार्जिन लग रहा है 17,000 रुपये, और यहाँ पर मार्जिन देखिए कितना लग रहा है, 1,14,000। ये ब्यूटी है, फ्यूचर में ट्रेड करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है, पर मार्जिन उसका कितना दिया मात्र, मैंने मैंने मार्जिन उसका दिया सिर्फ 15% मार्जिन, ये आपके सामने आपने लाइव देखा। एक आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ कि अगर आप ये सिंथेटिक फ्यूचर वाली ये गेम आपने ये खेल रही हो और ये डीप इन द मनी वाली गेम खेल रही हो, तो ये गेम आपने सिर्फ बड़े इंडेक्सेस में खेलनी है। वीकली एक्सपायरी, आपने इंट्राडे काम करना है, फर्ज कीजिए 7 तारीख की एक्सपायरी है, और मैं आज की बात करता हूँ, आज 1 तारीख है। अगर आपको निफ्टी में आज लॉन्ग पोजीशन बना करके चलना था तो कोई जरूरत नहीं थी आपको, मेरी समझ कहती है। मैं क्या करता, मैं वो बता देता हूँ। मैं निफ्टी फ्यूचर को अगर लॉन्ग करना है ना, तो मैं निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग नहीं करता, मैं डीप आईटीएम में जाता और वहां पर मैं एक ऑप्शन को बाय कर लेता, और मैं देखता कि मैं डीप आईटीएम में जहां पर जा रहा हूँ, एक तो वो राउंड फिगर वाली हो, जैसे आने कहा 20,000 वाली, 19,000 वाली, ये 50-25 वाली मैं अवॉइड करता, क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का चक्कर पड़ जाता है, बिड-ask में डिफरेंस ज्यादा होता है। तो लाइव मार्केट में आप देखेंगे जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना आपको चीजें बहुत बेहतर नजर आएंगी। मैं एक चीज के 1,15,000 रुपये क्यों उठूँ जब वही काम मेरा 15-17 हज़ार रुपये में हो रहा है, पहली बात। ठीक, दूसरी चीज के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वाली पोजीशन जो आपने बनानी है ना, ये पोजीशन आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, बिटकॉइन फिर निफ्टी में ट्राई करें, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में ये पोजीशंस ना करें, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में जाएं ना, चलिए मैं आपको एक लाइव चीज दिखा देता हूँ, उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, कोई बड़े से बड़ा स्टॉक भी आप 1 मिनट के लिए उठा लेंगे ना। ये देखिए एक्सिस बैंक उठा लीजिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक का आपको अभी स्ट्राइक प्राइस 1,110 रुपए के आसपास का दिखा रहा है। आप जैसे ही थोड़ा इन द मनी जाएंगे ना, तो इन द मनी में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर आपको वॉल्यूम, देखिए ये वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम जैसे ही आप थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे, वॉल्यूम सब्सटेंशली रिड्यूस हो जाएगा। कहने का भाव इतना कि अगर आपने ये डीप इन द मनी ऑप्शन को बाय करके फ्यूचर को रेप्लीकेट करना है, तो ये वाला ट्राई, वैसे तो आपने ऑब्जर्व ही करना है, आपने डमी पेपर ट्रेडिंग करनी है, आपने सिर्फ अभी उसको लगा लगा करके देखना है, अभी रियल पैसे से काम नहीं करना। और रियल डमी जो बनाना है, वो डमी भी आपने बड़े इंडेक्सेस में बनाना है, ऐसे स्टॉक स्टॉक्स में जाकर के आप ये सब गेम मत खेलिएगा। मैं अननेसेसरी नहीं खेलता, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के भरपूर चांसेस होते हैं। इंडेक्सेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में भरपूर वॉलेटाइल वॉल्यूम है, भरपूर वॉल्यूम है, वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। इंट्राडे में काम करना है, सीधी सीधी बात है, कमिंग वीक एक्सपायरी को पकड़ लीजिए और इंट्राडे में थोड़ा इन द मनी जा करके देखिए, आपको खुद गेम क्लियर होनी शुरू हो जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास आपको सिंथेटिक फ्यूचर्स पर सिखाने के लिए क्या था, एक चीज और कर देता हूँ फटाफट से, मोटा मोटी मेरी बात आज की कंप्लीट हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी को मैं पकड़ता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए फटाफट से 44,800-900 पर है ना, तो मैं इसके अंदर में ना 400-500 पॉइंट अंदर चला जाऊंगा बहुत सरलता से, मुझको कुछ नहीं है। 44,800 है, 500 पॉइंट अंदर जाऊंगा मैं, 44,300 की कॉल को डीप इन द मनी, 500 पॉइंट को आराम से मैं, इसमें मेरा काम हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है मैं 800 पॉइंट चला जाऊंगा, यहाँ पर 44,800 पर हूं ना, तो मैं 44,000 पर चला जाऊंगा, और 44,000 मेरे लिए डीप इन द मनी है, मेरा काम हो जाएगा, ये फ्यूचर को मोटा मोटा रेप्लीकेट कर देगा। उसी तरह से 44,800 पर हूं तो मैं 45,500 चला जाऊंगा, मैं 45,500 की पुट को डीप इन द मनी मान करके अपना काम खींच लूंगा। सीधी बात है, निफ्टी में 300-350 पॉइंट 400 पॉइंट पकड़ लूंगा, बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट पकड़ लूंगा, इंट्राडे में कमिंग वीक एक्सपायरी में मेरे को यहां पर एक तो वॉल्यूम मिल जाएगा, बिड और आस्क में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तीसरा मार्जिन बहुत कम लगेगा, चौथा फ्यूचर को रेप्लीकेट कर देगा। अब मैं इसके बेसिस के ऊपर अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहूं, हेज करूं, नेकेड करूं, क्या करूं क्या ना करूं, वो मेरी अपनी कॉन्शियस कॉल है, मैं जैसा करना चाहूंगा वैसा कर दूंगा। आज की क्लास मैं सिर्फ आपको यहां पर यह सिखाना चाह रहा था कि आप बड़े इंडेक्सेस निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर बनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप फ्यूचर में जाकर के ही लाख लाख सवा सवा लाख रुपए फंसाएं, वो अल्टरनेट ऑप्शंस आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्यूचर को रेप्लीकेट करने का सबसे सेंसिबल मुझको जो तरीका नजर आता है, वो आता है डीप इन द मनी ऑप्शन, और डीप इन द मनी भी वो जो राउंड फिगर पर हो, बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम हो और वॉल्यूम ज्यादा हो। बात मेरी आज की कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कुछ इस पर अपने कमेंट्स, कुछ विचार, कुछ भी बताना चाहें, मोस्ट वेलकम, पूछना चाहें बताना चाहें, ऑलवेज मोस्ट मोस्ट वेलकम। और माफी चाहता हूँ, 2-3 दिन जरा कुछ हेल्थ रीजंस के कारण जरा मैं एबसेंट रहा, तो
ठीक समझे हैं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, और कोशिश करूंगा फिर दोबारा मिलूं, कुछ काम की चीज बात करूं, कुछ काम की चीज सिखाऊं, और अपने टेक्निकल एनालिसिस और इन सब चीजों को हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे चलें, और देखें कि हम एज अ फ्रेशर बिगनर अपने आप को कैसे बढ़िया करके इस गेम में रह सकते हैं, पैसा अपना बचा सकते हैं, और छोटा मोटा स्किल अपना डेवलप करके अपना इसमें कुछ ना कुछ हिसाब किताब बना सकते हैं। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। प्लीज अपना ख्याल रखें, फैमिली को देखें, और ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, तब तक प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे एंड वीकेंड अहेड। थैंक्स अ लॉट।